आदमपुर उपचुनाव में भजनलाल परिवार के किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस से लेकर इनेलो और आम आदमी पार्टी ने भले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं है। हम आपको आगे के 3 मिनट के वीडियो में बताएंगे भजनलाल परिवार के सामने विपक्षी दल लगातार क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी पिछले करीब 8 साल से अभी तक हरियाणा में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। दूसरा ये कि पार्टी के अंदर अभी भी गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई देती है। इस बार सबसे ज्यादा मुखर पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी नजर आती है। ऐसे में एक तरफ जब पार्टी का संगठन कमजोर है तो वहीं पार्टी के अंदर ही नेताओं के अलग अलग रुख से कांग्रेस के लिए आदमपुर की राह मुश्किल लगती है। कांग्रेस पार्टी नामांकन से एन पहले अपने उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के नाम का ऐलान कर पाई है, लेकिन इस लंबे इंतजार के बाद भी पार्टी के भीतर फूट है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलडाराम लंबरदार लगातार मुखालफत कर रहे हैं। पार्टी अगर एक हफ्ते पहले ही भाजपा के साथ अपने उम्मीदवार तय कर देती तो पार्टी चुनाव प्रचार में नहीं पिछड़ती। हैरान करने वाली बात यह है, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन में बहुत देर कर दी, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची बहुत पहले तैयार कर ली थी। कांग्रेसी सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी आदमपुर उपचुनाव में जिन नेताओं पर दाव खेलना चाहती थी, वे चुनाव लड़ने के इच्छुक कम नजर आते थे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की खानदानी सीट होने के नाते सभी को पता है कि जीत की राह आसान नहीं होगी। ऐसे में कोई भी नेता रिस्क लेने से कतरा रहा था। अब अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पहली बार हरियाणा में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के लिए भी आदमपुर की राह आसान नहीं है। भले ही पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन भी दाखिल कर दिया हो, लेकिन भाजपा से आम आदमी पार्टी में आए सत्येंद्र सिंह के लिए चुनावी मैदान में उतरने की वजह से पार्टी के अंदर फूट नजर आई, जिसकी वजह से पार्टी के हल्का अध्यक्ष और एक प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में वह संगठन और वोट बैंक नहीं है जो उसे आदमपुर में चुनावी जीत दिला सके। ऐसे में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी आदमपुर की राह आसान नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बाद अगर इनेलो की बात करें तो प्रदेश में एकमात्र विधायक वाली इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी के मुताबिक उम्मीदवार के नाम को तय करने के लिए बुधवार को गुरुग्राम में बैठक होगी, जिसके बाद हो सकता है कि पार्टी आज शाम या परसों यानी 14 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दौर में उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे, जिसके बाद पार्टी का उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेगा। यानी इनेलो भी अभी कांग्रेस की राह पर चलती दिखाई देती है। ऐसे में किस तरह से विपक्ष आदमपुर में भजनलाल के परिवार के किले में सेंध लगा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जबकि साल 1968 से अब तक चौधरी भजनलाल के परिवार का आदमपुर सीट पर एक छत्र राज है। हरियाणा समेत पूरे देश की नजरें इन दिनों आदमपुर के उपचुनाव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज़।